हेलो दोस्तों, तो आज हम लाए हैं ये क्वेश्चन है मीन मोड एंड मीडियन का। ठीक है, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ये सब जो क्वेश्चन है बहुत आसान होता है, लेकिन आदमी आसान समझ के बनाना ही छोड़ देता है, जिसके कारण वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लाए हैं क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पिछले बार बोर्ड में भी पूछ चुका है। किसमें? क्लास टेंथ के बोर्ड में। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है तो जेईई मेंस एडवांस में भी आ सकता है। इसीलिए दोस्तों ये सब क्वेश्चन को देखें कि किस तरह सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 15। मीन दिया हुआ है 15 एंड सिग्मा एफ दिया हुआ कितना 120। सिग्मा कितना दिया हुआ 120। कह रहा है क्लास इंटरवल में F1 और F2 का मान निकालने के लिए। ठीक है, F1 और F2 का मान निकालने के लिए देखें किस तरह हम निकालते हैं। सॉल्यूशन, पहले हम इसको लिखते थे। ठीक है, क्या दिया हुआ 30 को सिग्मा एफ आई पर कितना दिया 120। ठीक है, ये सबको जोड़ देते हैं हम 7 2 9 9 18 के एक हाथ में रहा 1 1 3 1 4 4 1 5 1 6 68 है प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, हमको कितना दिया हुआ है 120। देखिए यहाँ से 68 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 120। तो इसको इधर ले चलते हैं तो F1 प्लस F2 इक्वल टू 10 में से 8 गया तो 2, 11 में से गया तो 5, यानी कि हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन निकल गया, दो अनाउंड डेटा, इसीलिए हमको क्या निकालना पड़ेगा दो इक्वेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए इससे चलते हैं। तो हमको मीन बराबर फॉर्मूला पता है। मीन बराबर क्या होता है? मीन बराबर होता है मीन, इसको क्या करेंगे हम x से दर्शाएंगे। मीन को हम किससे दर्शाएंगे? x से। इसको क्या बोलेंगे हम? मीन। इसको बोलेंगे मीन। ठीक है, इसको x से दर्शाएंगे। ठीक है, मीन इक्वल टू होगा, मीन इक्वल टू क्या होगा बोलो? सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। इसका बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन इससे हम बना रहे। ठीक है, इससे बना रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इसके लिए तो और चीज़ों की ज़रूरत है। इसीलिए आप इसको उतारिए, इसको हटाइए। ठीक है, इसको उतार दीजिए। ठीक है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरा एफ वन प्लस एफ टू इक्वल टू 52। यह है मेरा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अभी सबको उतार दीजिए, हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये जो फॉर्मूला है हमारा मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई यू आई इंटू डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, तो हमको पहले सिग्मा एफ आई दिया हुआ है, एफ आई यू आई निकालना पड़ेगा, तो फिर यू आई निकालते हैं। ठीक है, यू आई, यू आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? यू आई से पहले हमको एक्स आई निकालना पड़ेगा, एक्स आई से ही यू आई निकलेगा। ठीक है, तो पहले एक्स आई निकालते हैं, एक्स आई। ठीक है, एक्स आई क्या होता है? देखिए हमारा एक्स आई क्या होता है? मीन। ये दोनों का मीन क्या होगा? 20, जिसका आधा 10, तो 10 हो जाएगा मीन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 40 20 50 40 20 60, 60 का आधा 30, फिर 60 40 100 50, 60 80, 0 0 8 6 14 4 यानी कि 70, 180, 9 9 9 180। ठीक है, 9 18। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये क्या निकल गया मेरा? एक्स आई। ठीक है, एक्स आई निकल गया, अब एफ आई निकालते हैं, एफ आई। ठीक है, ई यू आई, यू आई। ठीक है, यू आई किस तरह निकालेंगे? यू आई निकालने के लिए है फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए बटा में एच। ठीक है, तो ए हम किसको मानेंगे? ये जो है ना इसके बीच वाले टर्म को ये मान लेते हैं। ठीक है, इसमें बीच में कौन टर्म आएगा? बीच में कोई भी इसमें टर्म को ये मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन बीच में मानने से हमको अच्छा यानी कि आसान हो जाता है। ठीक है, इसीलिए अब क्या करेंगे हम, इसमें से एक्स आई ये रहा, इसमें से ये घटाएंगे, क्या है माइनस 40, 30 में से घटाएंगे माइनस 20, 50 0, 70 में से 10 घटाएंगे 20,
नब्बे में से 50, नब्बे में से कितना 50 घटा तो 4, ठीक है। यह आ गया मेरा, यह आ गया यू आई। आप हमको क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई यू आई, यहाँ क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू एक्स आई यू आई, ठीक है। लेकिन हमको एफ आई यू आई निकालना था, एफ आई ये होगा एफ आई, ठीक है, और यू आई, ठीक है। तो 17 का 17 17 34 17 दिया गया, 17 चौके 68, तो 68 68 नहीं देना होगा माइनस में, ठीक है। अब देखिए माइनस 20 एफ वन, ठीक है, आप देखिए 32 0, फिर देखिए 20 एफ टू, फिर देखिए 19 का 19 चौके 19 का 19 19 दूनी 38 19 3 57 19 चौके 76 19 चौके 76 76 में 0। अब क्या करें, हम इसे सबको जोड़ देंगे, सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू, पहले तो इसको घटा दें, ठीक है, कितना होगा 0 का 0 16 में से 8 गया तो 8 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 80 प्लस 80 प्लस क्या लगा, 80 माइनस 20 एफ वन प्लस 20 एफ टू, ठीक है। तो इससे हम क्या कर दूंगा, हाँ इक्वल टू क्या दिया हुआ है, नहीं तो अभी तो जोड़ी नहीं निकालना है, तो क्या लगेगा हमारा, इसे देखिए 20 एफ टू माइनस 20 एफ वन प्लस 80, ठीक है, ये आया हमारा पूरा जोड़। तो इससे हम कुछ कॉमन कर सकते हैं क्या, 20 अच्छा करेंगे करेंगे अभी। तो लेंथ तो इस एच, इसे इस लेंथ तो क्या मानेंगे हम, एच यहाँ पर लिख देते हैं, एच इक्वल हमारा कितना आया है 10 20 20, एच इक्वल 20। और फिर ए किसको माने हम, इसको ए किसको माने, इसको 50, ठीक है, जाएगा 50 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई क्या है हमारे पास 20 एफ टू माइनस 20 एफ वन प्लस 80 बटे में सिग्मा एफ 120 दिया हुआ है सिग्मा एफ आई, फिर उसके बाद क्या है इंटू एच, एच सिग्मा है हमारा 20 अब इसको हम इधर कर देते हैं, अगर जीरो तो ये पूरा जीरो, अगर ये अगर जीरो हुआ 50 प्लस हाँ जीरो हो गया, ठीक है। जीरो जब हो गया तो क्या बचा 20 एफ टू माइनस 20 एफ वन प्लस 180 बटे में ये से ये कट गया 2 से 6 इक्वल टू 0 आई 7 6, ठीक है। तो इससे तो ये भी चला गया 0, तो क्या हो गया 20 एफ टू माइनस 20 एफ वन प्लस 80 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 20 हमको मान लेते हैं, 20 को मान लिए एफ टू माइनस एफ वन प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। 20 चौके 80 यहाँ से एफ टू माइनस एफ वन प्लस 4 इक्वल टू 0 इक्वेशन थर्ड सेकेंड, ठीक है, सेकेंड वन। तो फर्स्ट और सेकेंड से देखिए क्या इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, ठीक है। यहाँ फर्स्ट हमारा एफ वन प्लस एफ टू इक्वल टू 52, और ये क्या हमारा और इक्वेशन टू क्या हमारे पास, इक्वेशन टू है एफ टू माइनस एफ वन इक्वल टू 4, यहाँ से एफ वन कट गया, क्या हमारे पास 2 एफ टू इक्वल टू 56, तो 2 से ये कट गया, क्या हो गया एफ टू हमारे पास, क्या आ गया हमारे पास 28, और दोनों जाने पास आएंगे एफ टू आ गया इतना, ठीक है। जब एफ टू आ गया हमारे पास इतना, तो एफ वन तो आराम से निकाल सकते हैं, कैसे देखिए इक्वेशन टू में चलिए एफ टू माइनस
एफ वन इक्वल टू क्या है 24, एफ वन क्या है 4, ठीक है। और एफ वन हमको निकल चुका कितना, एफ टू निकल चुका 28 निकला है ना, क्या करेंगे हम माइनस एफ वन इक्वल टू 4 माइनस 28, यहाँ से माइनस निकला, ठीक है। तो माइनस एफ वन इक्वल टू माइनस 24, माइनस माइनस कट गया था, एफ वन इक्वल टू 24, एफ टू इक्वल टू 28। दोस्तों ये आ गया हमारा इसका आंसर, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, उतारिए और अच्छी से तरीका से डिवीजन और पढ़ाई पे मन लगाइए। तो दोस्तों अब आया है न्यू क्वेश्चन जो पूछ रहा है हमारे पास क्या मेडियन, मेडियन पूछ रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, इसको आप ही बनाइए फिर हम बता देंगे किस तरह सॉल्व किए हम। हो गया दोस्तों, तो देखिए क्या कह रहा है हमको, सिर्फ एक्स आई दिया हुआ, एफ आई दिया हुआ, ठीक है। हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है और मेडियन बताना है, ठीक है। तो मेडियन बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, निकाल के क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या फ्रीक्वेंसी है, इसको बढ़ाते जाएंगे और इसको जोड़ते जाएंगे। जैसे कि पहला फ्रीक्वेंसी 8, दूसरा क्या हो जाएगा 18, तीसरा का इसमें 11 जोड़ दीजिए तो 9 आएगा 2, 29, 29 में 16 जोड़िए तो 9 एक 10 5 15 5 12 1 2 1 3 1 4, ठीक है। फिर 45 में 25 जोड़िए क्या जाएगा 65, फिर 65 में 25 जोड़िए 0, 5 6 2 8 1 9 0 6 2 8 9, ठीक है। फिर क्या 90 में 15 जोड़िए तो 105, फिर 105 में 9 जोड़िए तो क्या 9 होगा 9 1 10 10 6 14 क्या हमारा है 1 1 1 14, ठीक है। 14 में 120, ठीक है, यह क्या हमारा 120। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या, ये जो आता है हमारा, ये जो आता है क्या आता है सिग्मा एफ आई आता है, ये क्या आता है हमारा सिग्मा एफ आई, तो इसको हम एन मानेंगे, ठीक है। तो एन इक्वल टू हमारा एन माना पड़ता है इसको, ये एन ही है, ठीक है। एन इक्वल टू 28, हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आती है एन बाई टू, एन बाई टू जो आएगा क्या आएगा 60 आएगा एन बाई टू, तो 60 क्या है मेडियन इक्वल टू क्या आएगा हमारा, मीडियन इक्वल टू हो जाएगा भेड़िए जस्ट ग्रेटर देन एन, एन बाई टू, एन बाई टू से जस्ट ग्रेटर देन, ठीक है। क्या है हमारे पास एन बाई टू 65, ठीक है, 65 है तो 65 में वो क्या निकालना मेडियन क्या जाएगा हमारा 5, या फिर अगर 60 भी आता है 60 रहता है यहाँ 60 रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 60 या फिर 60 जस्ट बड़ा लेना था, ठीक है। 65 आया इसलिए हमारा क्या मीडियन ये हो गया, तो 5। तो दोस्तों उतारिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेम टू सेम इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन से, आप लोग बनाइए और जरूर बन जाएगा आप लोग से, पूरा यकीन है हमको, आप लोग बनाइए तो ट्राई कीजिए। हो गया ट्राई, पॉज करके ट्राई कीजिए, लेकिन ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों हम शुरू करते हैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालना, ठीक है। क्या करेंगे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, इसको ये इसको मानो एफ आई, ठीक है, ये एफ आई है और ये एक्स आई, ठीक है। तो एफ आई को हमको जोड़ेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा 6 10 5 15 12 15 17 27 जगह, ठीक है, 27 8 8 7 8 2 16 यानी 15 8 7 15 5 हमारा 1 2 1 3 38, ठीक है। और ये 8 7 15 5 हमारा 1 37 ये 49 50, ठीक है। हम क्या निकालेंगे n इक्वल टू एम 50, तो n बाई टू इक्वल टू क्या गया 20 25, n बाई टू क्या गया हमारा 25, ठीक है, n बाई टू आ गया मेरे 25। तो फिर हमको क्या निकालना है, n बाई टू 25 था, मीडियन निकालना है, मीडियन को क्या होगा वेरिएट वेरिएट इक्वल टू
जस्ट ग्रेटर देन इसे जस्ट ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। 25 अब यहाँ पे क्या 27, तो हमारा क्या हो जाएगा मेडियन, आप बता दो। 5 से बढ़ो मीडियन पर कर देंगे 167 आंसर। और ये हो गया टीचर। तो दोस्तों अब अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें इसको मिटा दो, ठीक है। कैलकुलेट मीडियन, ठीक है। कैलकुलेट मीडियन, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा और इसमें फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोड इक्वल टू मीडियन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, मीडियन इक्वल टू होता है मीडियन इक्वल टू एल प्लस एच बाई एफ एन बाई टू माइनस सी एफ, यानी कि सी एफ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो सी एफ लिख दो या फिर सी रहने दो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी इसको, ठीक है। अब पहले हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास 2, 20, 50, 5 और फिर 95, 5 10 की रकम 1, 9, 10, 10, 3, 13, 150, 156, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 159, ठीक है। हमारा n क्या हो गया 159, तो n बाई टू क्या हो जाएगा 159 बटे में 2, क्या आ जाएगा 2, 2, 7, 14, फिर क्या हो जाएगा 2, 9, 18, 2, 5, 10, ये हो जाएगा हमारा एन बाई टू, ठीक है। ठीक है, क्या आएगा मेरे डिफरेंस 50 आएगा, ठीक है। आप फॉर्मूला बैठाएंगे 50 और फिर 50 में से जब इसको घटाएंगे तो 29.5 में जब इसको घटाएंगे क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 29 बाई 32 बाई 9, ठीक है। आएगा हमारा इससे 36.5 हमारा आएगा मीडियन 36.5, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर से आप बनाइए ताकि जो भी डाउट हो क्लियर हो जाए।